हेलो एवरीवन इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट राइबो स्विचेस सो राइबो स्विचेस क्या होते हैं रेगुलेटरी आरएनए होते हैं जो कि प्रोकैरियोट्स के अंदर जीन रेगुलेशन में रोल प्ले करते हैं सो राइबो स्विचेस नाम से पता चल रहा है स्विच स्विच क्या होता है जो ऑन या ऑफ करने में हेल्प करे तो राइबो स्विचेस किसको ऑन या ऑफ करेंगे अभी हम आगे जब आप मैकेनिज्म देखोगे तब हम देखेंगे कि यहाँ पे या तो ट्रांसक्रिप्शन या ट्रांसलेशन ऑन या ऑफ हो रही है सो राइबो स्विचेस जो होते हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं ये मोस्टली लोकेटेड होते हैं फाइव प्राइम अनट्रांसलेटेड रीजन ऑफ बैक्टीरियल एम आर एन ए तो बैक्टीरिया का जो एम आर एन ए होता है दिस इज फाइव प्राइम दिस इज थ्री प्राइम तो बैक्टीरिया का जो एम आर एन ए होता है वहाँ पे यू टी आर जो रीजन होता है यानी कि अनट्रांसलेटेड रीजन अन ट्रांसलेटेड रीजन वो पार्ट होता है एम आर एन ए का विच इज नॉट ट्रांसलेटेड इन टू प्रोटीन्स जिसका ट्रांसलेशन नहीं होता है दैट इज अन ट्रांसलेटेड रीजन एंड यहीं पर क्या होते हैं आपके राइबो स्विचेस प्रेजेंट होते हैं सो राइबो स्विचेस दे हैव टू डोमेन्स पहला है एप्टामर एंड सेकेंड वन इज द एक्सप्रेशन प्लेटफॉर्म अब जो एप्टामर डोमेन है वो क्या है इट एक्ट एज अ रिसेप्टर जहाँ पे कि आपका कोई लीगेंड आकर के बाइंड होगा अब ये जो लीगेंड है वो आपका कोई मेटल आयन हो सकता है इट कैन बी मेटल आयन या फिर कोई अमीनो एसिड हो सकता है या फिर कोई को हो सकता है सो so बेसिकली एप्टामर जो है वो एक रिसेप्टर के तौर पर काम कर रहा है जहाँ पे कि लिगेंट आकर के बाइंड होता है एक्सप्रेशन प्लेटफॉर्म क्या होता है यहाँ पे कन्फर्मेशनल चेंजेस आते हैं जब एप्टामर पे, मान लीजिए कि ये क्या है हमारे पास में एप्टामर है इस एप्टामर पे ये रेड कलर का लिगेंट आकर के बाइंड हुआ तो इसकी बाइंडिंग की वजह से कन्फर्मेशनल चेंजेस आएंगे कहाँ पे एक्सप्रेशन प्लेटफॉर्म पे यानी कि जो इसकी दूसरी डोमेन है वहाँ पर क्या आएंगे कन्फर्मेशनल चेंजेस आएंगे और कन्फर्मेशनल चेंजेस कैसे होते हैं कि स्टेम लूप लाइक स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं सो so अब हम देखते हैं दो मैकेनिज्म है इसके पहला तो है कि टर्मिनेशन ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन प्री मेच्योर टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन हो सकता है या फिर ट्रांसलेशन इनिबिशन हो सकता है मतलब दो लेवल पे यहाँ पे मैकेनिज्म चल सकता है या तो ट्रांसक्रिप्शन स्टॉप कर सकते हो या फिर आप ट्रांसलेशन को स्टॉप कर सकते हो तो देखिए हमारे पास में क्या है एप्टामर है और ये हमारे पास में क्या है दिस इज़ द एंटी टर्मिनेशन टर्मिनेशन सिग्नल सो so, जब यहाँ पर कोई लिगेंट बाइंडेड नहीं है तो एंटी टर्मिनेशन सिग्नल मिलेगा कि टर्मिनेशन नहीं होने देना है तो जब टर्मिनेशन नहीं टर्मिनेशन का सिग्नल नहीं मिल रहा है तो जो हमारे पास ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस है वो क्या रहेगा ऑन रहेगा मतलब जो आर एन है वो ईजीली यहाँ पर बाइंड हो जाएगा एंड फर्दर जो है हमारा ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा लेकिन अगर यहाँ पर लिगेंड की बाइंडिंग हो जाती है एप्टामर रीजन पर सो दिस ग्रीन वन इज़ द एप्टामर तो अगर एप्टामर पर यहाँ पे क्या हो चुकी है लिगेंड की बाइंडिंग हो चुकी है तो अगर लिगेंड की बाइंडिंग होती है तो यहाँ पे क्या बन जाएगा लूप लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा विच इज़ द टर्मिनेटर लूप यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा टर्मिनेशन सिग्नल मिल गया इसका मतलब है कि यहाँ पर टर्मिनेशन हो जाएगा ट्रांसक्रिप्शन आपका क्या हो गया ऑफ हो चुका है सो so, चेंजेस जो हो रहे हैं एक्सप्रेशन प्लेटफॉर्म में जो चेंजेस हो रहे हैं जो कन्फर्मेशनल चेंजेस हुए हैं जैसे लूप लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे बना है तो उससे डिसाइड हो रहा है कि एक्सप्रेशन ऑफ जीन होगा या नहीं होगा अगर देखो लिगेंट की बाइंडिंग हुई है एप्टामर पे तो टर्मिनेशन सिग्नल मिलेगा आपको टर्मिनेशन लूप बन जाएगा जिसकी वजह से ट्रांसक्रिप्शन क्या हो जाएगा ऑफ हो जाएगा तो आपको ये चीज़ याद रखने की लिगेंट बाइंड होगा एप्टामर पे तो ट्रांसक्रिप्शन ऑफ़ रहेगा और अगर नहीं हुआ बाइंडिंग तो ट्रांसक्रिप्शन कंटिन्यू रहेगा ट्रांसक्रिप्शन स्टॉप नहीं होगा सो so आप इस फिगर में भी देख सकते हैं जो आपका ए वाला मेथड है वहाँ पे देखिए ए वाला जो मैकेनिज्म हम डिस्कस कर रहे हैं कि अगर हमारे पास में लिगेंट की बाइंडिंग नहीं है तो एंटी टर्मिनेटर है यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन आपका हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं है लेकिन जैसे ही एप्टमर पर लिगेंट बाइंड हुआ ये क्या है आपका एप्टामर है तो एप्टामर पे जैसे ही लिगेंड बाइंड हुआ तो आपका टर्मिनेटर लूप बन गया जिससे कि फर्दर आपका ट्रांसक्रिप्शन रुक जाएगा ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो पाएगा तो एक्सप्रेशन प्लेटफॉर्म में जो कन्फर्मेशनल चेंजेस आए हैं उससे क्या हुआ है हमारा ट्रांसक्रिप्शन जो है वो रुक गया है अब ये तो बात हुई थी ट्रांसक्रिप्शन लेवल पर ट्रांसलेशन लेवल पर किस तरीके से राइबो स्विचेस काम करते हैं तो यहाँ पे देखिए ये हमारे पास में बैक्टीरियल एमआरएनए है जिसमें कि फाइव प्राइम थ्री प्राइम आपको दिख रहा है और यूटीआर मींस द अन ट्रांसलेटेड रीजन्स आपको दिख रहे हैं सो अन ट्रांसलेटेड रीजन्स वो पार्ट होता है एम आर एन ए का विच इज़ नॉट ट्रांसलेटेड इन टू प्रोटीन्स लेकिन यहाँ पर एक स्पेशल सीक्वेंस होती है जो कि इम्पॉर्टेंट होती है फॉर द रेगुलेशन ऑफ द जीन एक्सप्रेशन एंड वो जो सीक्वेंस होती है दैट इज़ द शाइन डल गार्नो सीक्वेंस जिसको कि हम आर बी एस भी बोलते हैं विच इज़ राइबोजोम बाइंडिंग साइट तो ये जो फाइव प्राइम अनट्रांसलेटेड रीजन है यहाँ पर इम्पॉर्टेंस क्या है इसकी कि यहाँ पर एक स्पेशल सीक्वेंस प्रेजेंट होती है दैट इज आर बी एस राइबोजोम बाइंडिंग साइट जहाँ पर कि राइबोजोम आकर के बाइंड होता है राइबोजोम आपको पता है राइबोसोम ही तो क्या कराएगा प्रोटीन की सिंथेसिस कराएगा सो so, अब यहाँ पे देखते हैं राइबो स्विचेस का क्या काम है हमारे पास एप्टामर्थ है एप्टामर पे जब कोई लिगन बाइंड नहीं हुआ जब कोई लिगेंट यहाँ पर बाइंड नहीं हुआ है तो जो राइबोसोम बाइंडिंग साइट है दैट इज़ एक्सपोज ठीक है वो खुली है आराम से हमें दिख रही है कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं है तो यहाँ पर जो राइबोजोम है उसकी बाइंडिंग हो जाएगी राइबोजोम जो है वो आसानी से आएगा और ये जो हमारे पास में राइबोसोम बाइंडिंग साइट है वहाँ पे बाइंड हो जाएगा इसका मतलब है कि ट्रांसलेशन आपका ऑन रहेगा अगर कोई लिगेंड नहीं है तो ट्रांसलेशन आपका ऑन रहेगा इन एबसेंस ऑफ इन द इन एपसेंस ऑफ द लिगेंड लेकिन अब अगर आपका लिगेंड बाइंड हो गया एप्टामर पे, अगर आपका लिगेंड बाइंड हो जाता है तो ये जो आपकी राइबोसोम बाइंडिंग साइट थी ये क्या हो जाएगी छुप जाएगी दैट विल बी हिडन ड्यू टू द लूप वो क्या हो जाएगी छुप जाएगी हिडन हो जाएगी so ribosome will not be able to bind to this ribosome binding site वो bind ही नहीं कर पाएगा जो ribosome है so यहाँ पर translation क्या रहेगी off रहेगी translation क्या रहेगी off रहेगी so आप इस figure के अंदर भी देख सकते हैं जो हमारा B mechanism है जब आपके पास में लिगेंट की बाइंडिंग नहीं थी तो जो आपका आर है यानी कि राइबोजोम माइंडिंग साइट है वो फ्री थी दैट वॉज़ एक्सपोज एंड राइबोजोम जो था वो ईजिली वहाँ पर आकर के बाइंड हो गया एंड आपका ट्रांसलेशन ऑन रहा लेकिन जैसे ही लिगेंट बाइंड हुआ एप्टमर पर तो आपकी जो राइबोजोम माइनिंग साइट है वो क्या हो गई चुप गई वो हिडन हो गई जिसकी वजह से जो राइबोजोम है वो वहाँ पर बाइंड नहीं हो पाया और जो ट्रांसलेशन है वो नहीं हो पाई सो दैट इज़ हाउ कि जो राइबो स्विच है दैट कंट्रोल्स वेदर और नॉट द एम आर एन ए विल बी ट्रांसलेटेड ट्रांसलेशन लेवल पर किस तरीके से राइबो स्विचेस काम करते हैं तो हमने दोनों मैकेनिज़म्स देख लिए ट्रांसक्रिप्शन लेवल पर भी और ट्रांसलेशन लेवल पर भी सो so, ट्रांसक्रिप्शन में क्या था कि अगर लिगेंट है अगर लिगेंट प्रेजेंट है तो आपका जो ट्रांसक्रिप्शन है वो नहीं होगा सिमिलरली अगर लिगेंड प्रेजेंट है बाइंडेड है एप्टामर पर तो आपका ट्रांसलेशन नहीं हो पाएगा तो दैट विल बी कि जो ट्रांसलेशन है वो स्विच ऑफ रहेगा सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एंड इफ यू लाइक द वीडियो डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर अपडेट्स थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे